मुंबई का हाजी अली दरगाह पूरे विश्व में मशहूर है। अगर आप कभी मुंबई जाते हैं तो आपको एक बार ज़रूर इस दरगाह का दीदार करना चाहिए। आज के इस हमारे स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं इस पवित्र दरगाह से जुड़ी 12 खास बातें, जिससे शायद ही आप रूबरू होंगे। चलिए आपको बताते हैं इस दरगाह को लेकर ऐसी कौन सी 12 खास बातें हैं जो इस दरगाह को और भी ज़्यादा पवित्र बना देती हैं। हाजी अली की दरगाह मुंबई के वर्ली तट के निकट स्थित एक छोटे से टापू पर स्थित है। एक मस्जिद और एक दरगाह है। इसे सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की याद में सन 1431 में बनवाया गया था। ये दरगाह मुस्लिम और हिंदू समुदायों के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखती है। ये मुंबई का महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल भी है। हाजी अली ट्रस्ट के अनुसार हाजी अली उज़्बेकिस्तान के बुखारा प्रांत के सारी दुनिया का भ्रमण करते हुए भारत पहुंचे थे। हाजी अली की दरगाह वर्ली की खाड़ी में स्थित है। ये दरगाह सड़क से लगभग 400 मीटर की दूरी पर एक छोटे से टापू पर बनाई गई है। हाजी अली की दरगाह पर जाने के लिए मुख्य सड़क से एक पुल पर बना हुआ है। इस पुल की ऊंचाई काफ़ी कम है और इसके दोनों ओर समुद्र है। दरगाह तक सिर्फ लो लाइट के समय ही जाया जा सकता है, बाकी समय में ये पुल पानी के नीचे डूबा होता है। दरगाह टापू के 4500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। दरगाह और मस्जिद की बाहरी दीवारें सफ़ेद रंग से रंगी गई हैं। इस दरगाह की पहचान है 85 फीट ऊंची मीनार। मस्जिद के अंदर पीर हाजी अली की मज़ार है, जिसे लाल और हरी चादर से सजाया जाता है। मज़ार के चारों तरफ चांदी के डंडों से एक दायरा बनाया गया है। मुख्य कक्ष में संगमरमर से बने कई स्तंभ हैं, जिनके ऊपर रंगीन कांच पर कलाकारी की गई है और अल्लाह के 99 नाम उकेरे गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि हाजी अली बहुत प्रसिद्ध परिवार से थे, लेकिन उन्होंने मक्का की यात्रा के दौरान अपनी पूरी दौलत नेक कामों के लिए दान कर दी। उसी यात्रा के दौरान उनका देहांत हो गया था। ऐसी मान्यता है कि उनका शरीर एक ताबूत में था और वो समुद्र में बहते हुए वापस मुंबई आ गए थे और यहीं पर उनकी दरगाह बनाई गई। ये थी 12 खास बातें जो हाजी अली दरगाह को और भी ज़्यादा खास बना देती है। नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल की रिपोर्ट